الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم ومكرم استيج پہ براجمان जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां कनान और मुल्क की खिदमत के लिए गुजारी और इस वक्त भी हिंदुस्तान में और खास करके गुजरात में अपनी किताबों के जरिए, अपने प्रवचनों के जरिए, अपने पुस्तक के जरिए जो इस मुल्क में अपनी सुहास फैला रहे हैं, मेरी मुराद इससे हमारे श्री प्रकाश शाह साहब है जिन्होंने अभी प्रकाश डाल के हमारे सामने बहुत सारी उम्दा और अच्छी बातें बतलाई। आपने स्वामी विवेकानंद साहब का जिक्र किया तो एक छोटा सा किस्सा मुझे उनका याद आ गया। जब आप अमेरिका पहुंचे तो एक साहब के मेहमान हुए, उन्होंने जानबूझकर गीता को सबसे नीचे रखा। पुस्तक उनके पास दो थे लाइब्रेरी में जहां बैठे हुए थे स्वामी विवेकानंद साहब, इनको थोड़ा छेड़ने के लिए उस अंग्रेज ने, उस अमेरिकन ने गीता को सबसे नीचे रखा और बाइबल को सबसे ऊपर रखा। स्वामी विवेकानंद साहब से वो पूछ रहे हैं कि ये क्रम आपको कैसा लगा। स्वामी विवेकानंद साहब ने फौरन जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि इसकी बुनियाद बहुत मजबूत है। स्वामी साहब ने हमें सिखलाया कि किस तरीके से कोई आपका अपमान कर रहा हो उसको आप सम्मान में किस तरह तब्दील कर सकते हैं। खैर, इस वक्त मुझे आप हजरात के सामने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कुछ बातें बयान करनी। हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत अच्छे अंदाज में आप हजरात के सामने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन के मुताल्लिक बहुत सारी बातें बतलाई। मुझे चंद मोटी मोटी दो चार बातें अर्ज करनी है। आपने इस विश्व में सबसे बड़ा जो पैगाम दिया, जो मैसेज दिया आपने, और आपने पूरी दुनिया में जो ये इनकलाब और क्रांति पैदा की उसमें सबसे पहली जिस चीज को आपने जिक्र किया और जिसके लिए उस वक्त का मानव समाज सबसे ज्यादा जरूरतमंद था, उस वक्त इंसानों ने इंसानों को अपना परमेश्वर और बड़ा मान लिया था। इंसानों ने छोटी छोटी चीजों को अपने नफा नुकसान का मालिक समझा था। ऐसे मौके पर आपने आकर यह बतलाया कि ए लोगों, तुम सबका रब यानी पालने वाला, तुम सबका पालनहार एक ही अल्लाह है, और तुम सबके बाप भी सैयदना हजरत आदम अलैहि सलातु वस्सलाम। ये डार्विन ने एक जो नजरिया हमारे सामने उत्क्रांतिवाद का साइंस की दुनिया में खड़ा किया, 100 साल नहीं पूरे हुए कि इस दृष्टिकोण को साइंटिस्ट ने रद्द कर, लेकिन आज भी हमारी स्कूलों में और कॉलेजों में इसको पढ़ाया जा रहा है। जबकि हमारा हिंदुस्तानी समाज और हिंदुस्तानी जो कल्चर और तहजीब है, हम यही मानते हैं कि सबका परमेश्वर एक है। आप देख रहे हैं सब जगह पर लिखा हुआ है सबका मालिक एक, तो उस मालिक की पहचान और उसकी ओर खान सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के इंसानों को बतलाए कि ये वो रब है, ये वो पालने वाला है, इसने ही इस पूरी सृष्टि को और इस पूरी कायनात को बनाया, इसके अलावा कोई किसी किस्म का उसके साथ शरीक नहीं।
ये सबसे पहले वो पैगाम और मैसेज था जिसने ये बतला दिया कि इस दुनिया में उस जात के अलावा सब के सब मखलूक और सृष्टि कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई पूजने और बंदगी के लायक नहीं है, सिर्फ उसी की जात। यही हमारे वेद में भी लिखा हुआ है, यही हमारे पुराण में भी लिखा हुआ है, यजुर्वेद में तो बहुत तफसील से विगत के साथ इस मसले को जिक्र किया। तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने आकर भी हमें यही समझाया। कल की अवतार जिनके लिए नाम दिया गया ये, और अभी जो हमारे मौलाना ने संस्कृत के श्लोक पढ़े उसमें भी जो चीजें जिक्र की उसमें यही फरमाया कि एक ऐसी जात आएगी जो इंसानों को बराबर सराबर कर देगी। आपके सामने मैंने कुरान शरीफ की जो एक आयत पढ़ी उसमें इस कायनात का पैदा करने वाला ये फरमा रहा है, या अय्युहन्नास। भाइयों यही समझना है, मुसलमानों ने यह समझा है कि कुरान हमारा है, इसकी इजारादारी हमने समझ ली और अल्लाह के इस पैगाम को अल्लाह के सारे बंदों तक नहीं पहुंचाया। ये कुरान की आयत कह रही या अय्युहन्नास, ये नहीं कहा जा रहा है कि ये मुसलमान, बल्कि कहा जा रहा है ये इंसान। एक जगह पर फरमाया जा रहा है कुल या इबादी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे बन्नों से कह दीजिए, पूरी कायनात में जितने भी इंसान हैं, मर्द है औरत है, काले हैं गोरे हैं, किसी भी जगह के हो, इन सबको अल्लाह ने अपने बंदे कहे। मौलाना इकबाल साहब ने जो हदीस शरीफ आपके सामने पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खल्कु इयालुल्लाह, सारी की सारी मखलूक और सृष्टि अल्लाह पाक का परिवार है, और आगे फरमाया अहब्बुल खल्क मन अहसन इला इयाल, सबसे बेहतर वो आदमी है जो अल्लाह के परिवार और अल्लाह के कुंबा के साथ अच्छा सुलूक करे, सदव्यवहार करे। इसलिए ये कुरान करीम की आयत सारे इंसानों को ये बतला रही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम जो दुनिया में फैल गई 23 साल में, उसकी सबसे बुनियादी वजह यही थी कि उन्होंने इंसानों को आपस में इंसान बतलाया और खालिक और मालिक की पहचान अलग करवाई, और ये बतलाया इसके साथ फौरन हमने तुम सबको एक मर्द और औरत से पैदा किया, इसलिए किसी को किसी पर फजीलत श्रेष्ठता कोई किसी से बड़ा नहीं। ये वो बुनियादी पैगाम इंसानों के लिए था, ऐसे माहौल में जबकि इंसानों ने अपने आप को ऐसा बतला दिया था, ऐसा बना दिया था बादशाहों ने और राजाओं ने, अपने आप को भगवान का अवतार मान लिया, ऐसे मौके पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भगवान नहीं है, सिर्फ वही एक जात है और सारे इंसान बराबर। और ये पैगाम सिर्फ नहीं दिया, इसके साथ प्रैक्टिकल तौर पर आपने ये करके दिखलाया। जैसे हमारे बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि बिलाल काले हबशी, लेकिन आपने उनको मस्जिद में अजान के लिए फतह मक्का के मौके पर खड़ा किया। ये सिर्फ बोलना नहीं होता है, अपने किरदार और अपने अमल के जरिए प्रैक्टिकल ये चीजें बतलाई जाए। इसी तरीके से आपने मानव गौरव इंसान को ये बतलाया कि तू इस कायनात में अल्लाह की सर्वश्रेष्ठ मखलूक, तुझसे बढ़कर कोई नहीं, इसलिए एक इंसान का अदब और एक इंसान का एहतराम, इंसानी जान और इंसानी माल की सुरक्षा और हिफाजत किस तरीके से की जाए, ये पैगाम आपने उस वक्त के इंसानों को बतलाया और प्रैक्टिकल करके आपने, एक छोटा सा इंसान है, एक गरीब इंसान है, लेकिन आपने उसके साथ भी वही शुरू किया जो एक मालदार और अमीर के साथ आप कर। ये वो बातें हैं जिनकी रोशनी के अंदर आज के हमारे इस इंसानियत, जिस वक्त मानव का सबसे ज्यादा हनन किया जा रहा है, मानव हुकूक का हनन किया जा रहा है, मानवी को मानवी नहीं समझा जा रहा है, अपने माँ बाप के साथ क्या सुलूक हो रहा है, अपने भाइयों के साथ क्या सुलूक हो रहा है, अपनी बहनों के साथ हम आपस में क्या सुलूक करते हैं, ऐसे मौके पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें बतलाती है कि हमें किस तरीके से रहना है। आपने जो मैंने आपके सामने एक हदीस शरीफ पढ़ी, आपने फरमाया तुम में सबसे कामिल और सबसे श्रेष्ठ वो आदमी है जिसके अखलाक अच्छे,
और जो अपने घरवानों के साथ सबसे अच्छा, एक अंग्रेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ रहे थे, आपका जीवन चरित्र पढ़ रहे थे, और जब इन्होंने ये पढ़ा कि आपके हाथ पर इस्लाम लाने वाली सबसे पहले आपकी बीवी हजरत खदीजा है, उन्होंने इसको नोट किया कि पैगंबर साहब की जिंदगी जाहिर में और बातिन में, आत्मा अंदर में, अंतर में और बाह्य जिंदगी में कोई फर्क नहीं, अगर कोई फर्क होता तो आपकी सबसे ज्यादा जीवन की बेदी, आपकी बीवी आपके ऊपर सबसे पहले इस्लाम न करती, इसलिए कि उसने वो अखलाक देखे थे। इसलिए आपने सिर्फ बोलकर नहीं, प्रैक्टिकल करके आपने बतला दिया। इसलिए आपने औरतों के हुकूक जिक्र किए, आपने विरासत के मसले को जिक्र किया, जैसे हमारे जानी साहब ने उसको बहुत तफसील से आपके सामने जिक्र किया, जब दुनिया में कहीं विरासत नहीं मिलती थी। ऐसे मौके पर 1400 साल पहले कुरान शरीफ की एक आयत जिसमें फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हें हुक्म देते हैं ताकीदी तौर पर तुम्हारी औलाद के सिलसिले, और फिर कुरान ने क्या फरमाया, लड़के को लड़की से दुगना दिया जाएगा, डबल दिया जाएगा, यानी लड़की का हिस्सा तो कुरान में पहले से नक्की और तय है, लड़के को कितना दिया जाए उसका मापदंड लड़की हो, लड़की को भी आधा लड़के से इसलिए दिया कि पैगंबर साहब ने लड़की पर कोई जिम्मेदारी नहीं दी, जब तक उसकी शादी नहीं होती वो अपने माँ बाप के घर रहती है, सारा खर्चा उसके बाप के जिम्मे होता है, जब शादी हो जाती है उसके बाद उसका पूरा खर्चा उसके शौहर और उसके पति के जिम्मे, इसलिए उसको जो आधा दिया ये उसके हक में बहुत बड़ा है। फिर उसको सिर्फ बाप से नहीं मिलता है, कभी भाई से मिलेगा, कभी माँ से मिलेगा, ये पूरा क्रम है कि किन किन जगहों से औरत को मिलेगा, जिम्मेदारी उसकी कोई नहीं और विरासत उसको सब जगह से मिल रही है। ये पैगंबर साहब ने 1400 साल पहले औरतों के सिलसिले में ये जिक्र फरमाया कि इनको हक दिया है। इसलिए आज की हम इस मजलिस में ये पक्का इरादा करें कि जिन जिन लोगों ने अपनी बहनों का हक नहीं दिया होगा, कल कयामत के दिन ये बहने आपका गिरेबान पकड़ेगी। इसलिए मेरे भाइयों, आपसे मैं गुजारिश करूंगा, इस्लाम को हम प्रैक्टिकल करके बताएं। बहुत अच्छी बातें हैं, फारसी में एक मसल और एक कहावत है, मुसलमान दर गोर, मुसलमानी दर किताब, के मुसलमान कब्रिस्तान में चले गए और मुसलमानी किताबों में बाकी रहे। हमारे अधीक्षक साहब ने अभी जो जिक्र किया, हमने अपने आप को इस तरीके से रखा है कि इन चीजों को हम जब तक प्रैक्टिकल अखलाक के साथ नहीं करेंगे, हम दूसरों को कोई पैगाम नहीं दे सकते। गुर का किस्सा रविशंकर महाराज का, हम बचपन से स्कूल में पढ़ते थे कि जब इन्होंने गुर खाना बंद कर दिया उसके बाद उस बच्चे को नसीहत, इससे पहले नहीं। तो ये चीजें हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, ये अखलाक और मानवता की जो बातें हमने बचपन से सीखी है, हम प्रैक्टिकल तौर पर इन अखलाक और इन चीजों को करें। इसी तरीके से पैगंबर साहब ने यहां इस दुनिया को जो एक मैसेज दिया, जिसको हमारे जानी साहब ने थोड़ा इशारा किया, अंधश्रद्धा और जंतर मंतर चमत्कार, ये चीजें आपने खत्म की, आपने आकर ये कहा कि इन चीजों में कोई ताकत नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह की ताकत से ही ये चीजें अपने अंदर कोई असर रखती है। इसलिए आपने आकर इंसानों को बतलाया, आपके ऊपर नाजिल होने वाले कुरान में फरमाया गया, वअल्लैसा लिल इंसान इल्ला मा सअ वअन्न सअयहु सौफ युरा, कि एक इंसान जो मेहनत करेगा उसका फल और उसका बदला उसको मिलेगा, वला तज़िरु वाज़िरतु विज़्र उख़्रा, किसी का गुनाह किसी के ऊपर डाला जाए ऐसा नहीं। ये मानव सम्मान है, मानव के लिए उत्साह है कि हम किसी के जन्म की वजह से या किसी के गुनाह की वजह से हम गुनहगार नहीं होते हैं, हम अपने गुनाह से अपनी बुराइयों से ही हम बुरे होते हैं, जब हम बुराई करेंगे या हम बुराई को फैलाएंगे तो हम बुरे समझे जाएंगे। ये पैगाम बहुत तफसील से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को बतलाया कि आज का इंसान इन चीजों के अंदर रहकर बेचारा छोटी छोटी चीजों में डर महसूस कर रहा है, इस इंसान के अंदर से सबका डर निकालकर एक ऊपर वाले का डर पैदा हो जाए तो ये जितने भी गुनाह है और जितनी बुराइयां हैं ये सब दूर हो सकती। इसके साथ आपने
1400 साल पहले इल्म और ज्ञान की बातें लोगों तक पहुंचाई। आपके ऊपर सबसे पहले जो वही का अवतरण हुआ, मौलाना अमीन साहब ने जिसका गुजराती तर्जमा भी किया, इकरा, आप पढ़िए। एक ऐसे आदमी को जो पढ़ना नहीं जानते हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप पढ़िए, इसके जरिए ये मैसेज दिया जा रहा है कि अब की दुनिया पढ़ने वाली होगी और जब तुम पढ़ के दूसरों तक पहुंचाओगे तो ये दुनिया में तुम्हारे ज्ञान की ज्योति और तुम्हारे ज्ञान का प्रकाश फैलेगा और लोगों को इससे फायदा होगा। इसलिए कुरान करीम में 30 से ज्यादा आयतों में बार बार ये कहा गया, इल्म की तरफ, ज्ञान की तरफ बार बार लोगों को बुलाया गया। ये चीजें पैगंबर साहब ने बतलाया। इसी के साथ आपने इल्म और अकल, इंसानी बुद्धि और इंसानी समझ से काम लिया जाए। कोई करता है उसको हम कर ले, उसी की बात मान ले, अंधश्रद्धा में रहे, ऐसा नहीं। आपका दिमाग और आपकी अकल जो चीज कहती है या समाज के जो बुद्धिशाली लोग जो बातें कहते हैं उन चीजों को समझा जाए, इन चीजों को माना जाए। ये वो चीजें हैं कि जब इसके ऊपर हम अमल करेंगे, इसको समझेंगे और इसके जरिए काम करेंगे तो दुनिया में आपस में विवाद और लड़ाइयां कम होगी। ज्यादातर बातें कम समझ और कम फहमी की बुनियाद पर होती है। जब आपको समझ आ जाएगी, आपका निराकरण हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आपस में झगड़े और फितने नहीं रहे। इसके साथ इस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क से हमें मोहब्बत। इकबाल ने कहा, क्या बात है कि मिट्टी नहीं हस्ती हमारी, गर्चे दुश्मन रहा सदियों, गर्चे दुश्मन हमारा सदियों से है, लेकिन इस मुल्क में ये जो हमारी गंगा जमुना तहजीब जिसको कहा गया, हिंदुस्तान की ये जो कल्चर और तहजीब और जो सोसाइटी है जिसकी बुनियाद पर हमारे बड़े लोगों ने मुल्क की आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी जिन लोगों ने मेहनतें की, गांधीवाद की बुनियाद पर एक दृष्टिकोण चला और जिसने गुज़िश्ता 100 साल से इस मुल्क के अंदर अहिंसा और अच्छे अखलाक और अच्छी चीजों की दावत दी, ये गांधी जी साहब सबसे ज्यादा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके जीवन को पढ़ते थे। तो हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलें, एक दूसरे को देखें, एक दूसरे से करीब हो। कुरान शरीफ में हमें जो अखलाक बतलाए गए उसमें एक पड़ोसी का हक बतला है, और कौन सा पड़ोसी? कुरान में फरमाया, वल जार इजिल जम, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आपके साथ बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, या जैसे यहां हम बैठे हैं आपस में, कुरान ने उसका भी हक बतलाया और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको प्रैक्टिकल करके बतलाया। जो किस्से मौलाना अशरफी साहब ने सुनाया, औरत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से मामला किया, और ये एक नहीं है। जब मक्का फतह हुआ, मक्का पर आपकी जीत हुई, तो वो दुश्मन जिन्होंने बरसों आपको सताया, आपके चचा को कत्ल किया, उनके कलेजे को चबाया, और इस किस्म के कितने लोग थे, लेकिन इन सबको, इन सब ने हरम के सहन में खड़े होकर, काबतुल्लाह के पास खड़े होकर कहा कि आप हमारे साथ क्या सुलूक करेंगे। आपने फरमाया, तुम लोग क्या समझ रहे हो मैं कैसा सुलूक करूंगा? उन्होंने कहा, अखुन करीमुन व इब्नुन करीम, आप हमारे शरीफ भाई और शरीफ भतीजे हैं। आपने एक ही ऐलान फरमा दिया, आज के दिन सबके ऊपर रहम करने का दिन, आज के दिन लड़ाई और झगड़े का दिन नहीं। ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को यह बतलाया। छोटी छोटी चीजों पर हम गर्म न हो जाए, गुस्से न हो जाए, बल्कि आपने जो श्रेष्ठ अखलाक हमें बतलाए हैं हम बार बार उसको पढ़ें, ताकि जिंदगी में कभी इस तरह के मौके आए हम दूसरे को बर्दाश्त करें। आज हम में बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं रही है, जबकि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी बर्दाश्त करने ही की रही। जब से आप आए और जब आप तशरीफ ले गए, बर्दाश्त करते हुए ये आपने हमें बतलाया। इसलिए आज की इस मजलिस में, जिसका आपने जमीयत उलमाए हिंद ने, जो हिंदुस्तान की वो पुरानी जमात है जिसने 150 साल से हिंदुस्तान में, जब अंग्रेज थे और उस वक्त हिंदुस्तान में मुल्क की आजादी के लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा किया, गांधी जी के पहलू में मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह होते थे, हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी होते थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद होते थे, और ये हजरत जवाहरलाल नेहरू और जनाब सरदार पटेल साहब,
ये सब आपस में मिल बैठते थे और मुल्क के लिए क्या सोचना चाहिए ये सब सोचकर इस मुल्क की आजादी के लिए लड़े। इन सब ने आपस में एक दूसरे से ऐसी मिलावट की और आपस में एक दूसरे के साथ इस तरीके से रहे, वो समझ रहे थे कि दुश्मन इस मुल्क से कब निकलेगा, जब आपस में हम लोग एक हो जाएंगे। मुल्क आजाद हो गया, फिर हमें सोचना है कि इस मुल्क की तरक्की कब होगी, जब हम सब आपस में मिलकर इस मुल्क की प्रगति और इस मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करेंगे। जब हम मेहनत करेंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाले हो जाएंगे, तो यही वो मुल्क है जिस मुल्क की पूरी तारीख बड़ी पड़ी है। हजरत आदम अली सलाम से जो मौलाना ने फरमाया, उसके बाद से इस मुल्क ने जो बड़े बड़े मुसलमान यहां हिंदुस्तान में आए इस्लाम की पहली सदियों में, और इन्होंने जो सफरनामे लिखे, चौथी सदी हिजरी में अल बैरूनी आए और इन्होंने पूरी किताब लिखी, हिंदुस्तानी मजहब क्या है, हिंदू मजहब क्या है, इतना खोल कर इन्होंने लिखा हिंदू फलसफे को, हिंदू संस्कृति को पूरी दुनिया के अंदर। अल बैरूनी ने हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को दुनिया में फैलाया और पहुंचाया। तो ये हमारी वो आपसी एक दूसरे के साथ भाईचारगी है जिसने आज हम सबको यहां जमा किया। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक तआला हमें इस तरीके से बार बार कर बार बार मिल बैठने की तौफीक अता फरमाए, हम अपने एक दूसरे के दिल को कुशादा रखें। और ये हमारे महानुभावों ने इतनी मेहनत करके जो यहाँ तशरीफ लाए, मैं इन तमाम भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जमीयत के इस ऐलान के ऊपर, जमीयत के इस आमंत्रण के ऊपर आप तशरीफ लाए और आपने इतनी अच्छी और कीमती बातें फरमाई, जो बड़ी कीमती बातें थी। एक एक स्कॉलर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां इसके पीछे खपाई है, इसलिए हम कोशिश करें दोबारा कि इस तरीके के इजलास फिर हो और हम आपस में एक दूसरे से मिल बैठे, ताकि आपस में मोहब्बतें साजगार हो, मोहब्बतें ज्यादा से ज्यादा फैले, नफरतें दूर हो। इसी दुआ के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाह।